नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शहर की प्राचीन हाजी शरीफ दरगाह की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर उर्स कमेटी में रोड की कार्यवाही की मांग। इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज की सदियों पुरानी दरगाह हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दरगाह के जायरीनों में गहरा आक्रोश है। उर्स कमेटी के सदर शमसुल खान ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है कि बाबा हाजी शरीफ दरगाह पर विगत 828 वर्षों से उर्स का आयोजन किया जा रहा है। उर्स कमेटी के वर्तमान सदर शमसुल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सदियों पुराने हाजी शरीफ दरगाह के मैदान में उर्स का आयोजन प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। उर्स कमेटी के सहयोग से उर्स में हजारों की तादाद में दूर दराज के जायरीन और दूसरे देश में सुप्रसिद्ध कव्वाल भी शिरकत करते हैं और अपने अपने कलाम पेश कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। विगत वर्षों पूर्व हाजी शरीफ दरगाह की जमीन पर तत्कालीन जिलाधिकारी भटनागर ने बाउंड्री करवाई थी। उस दौरान किसी भी तरह की कोई आपत्ति भी नहीं आई थी। ग्राम बख्शपुरवा निवासी इकबाल पुत्र शमीद ने दरगाह की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वहां पर जेसीबी मशीन द्वारा निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य की सूचना मिलते ही हाजी शरीफ के मुजाविर रियाज ने आपत्ति जताई, लेकिन उक्त लोगों ने उसे अपमानित कर भगा दिया। रियाज ने मामले से उस कमेटी के सदर शमसुल खान को अवगत कराया। कमेटी के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर अवैध कब्जे का विरोध किया। उस कमेटी ने उप जिलाधिकारी सदर समेत शहर कोतवाल से कार्यवाही की मांग की है। उसके जमीन पर अवैध कब्जा रोका न गया तो अशांति फैलने की आशंका है। कन्नौज से जिला संवाददाता शिवू सैनी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।